नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। मैं हूं तरुण फोर। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान मौजूद है, दीपक पुनिया। दीपक पुनिया दो टीम आईपीएल में खेल चुके हैं, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस है, और इसी के साथ चार राज्यों के साथ रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं और काफ़ी सारी टीमों के साथ खेल चुके हैं और काफ़ी सारे अवार्ड जीत चुके हैं। भारत की शान है और भारत का नाम बड़ा आगे बढ़ा चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दीपक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्रिकेट में एंट्री कैसे हुई और आपने इसे कैसे चुना और अब तक आप किस किस फॉर्मेट में खेल चुके हैं? स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मतलब पता नहीं था कि इतने दूर तक खेलेंगे हम लोग। स्टार्टिंग में थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए खेलना स्टार्ट करा था, गाँव में खेलते थे। तो ऐसे होते होते बुआ जी के लड़के हैं, उनको मेरा पसंद था गेम, तो वो बोले कि थोड़ा सा आपको मैं अपने साथ रखूँगा, तो उन्होंने मेरा गेम स्टार्ट कराया। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अंडर 19 हरियाणा के लिए खेला, उसके बाद सर्वराष्ट्र सर्विसेज हरियाणा और अभी दिल्ली के लिए मैं करंट खेल रहा हूँ। 2016-2017 में मैं मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेल चुका हूँ। इस साल मैं सनराइज हैदराबाद के साथ था और सब अभी और मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी कि और आगे तक लेके चलूं अपने आप को। आप एक खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी की नज़र में फिटनेस के क्या मायने होते हैं? आपकी नज़र में आपको फिटनेस को कैसे देखते हैं आप? फिटनेस सबके लिए इम्पोर्टेंट है जी। मैं तो जो आम आदमी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो प्लेयर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए तो जो मैं एज ए फास्ट बॉलर पूरी क्रिकेट खेला हूँ अभी तक एज ए ऑलराउंडर, तो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि मेरा जो सबसे टफ कंडीशन मतलब अगर देखी जाए सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मेरे लिए फिटनेस है, क्योंकि मैं बैटिंग भी 100% देना पड़ता है, बॉलिंग में 100% देना पड़ता है, साथ में फिर फील्डिंग में भी पूरा एफर्ट देना पड़ता है। तो बिना फिटनेस काम चलेगा नहीं। और मैं तो हर किसी को यही बात बोलना चाहूँगा कि जो अब ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्रेनिंग आप इस तरीके से अपनी करो कि आपको मैच में बहुत ईजी लगे, मतलब ग्राउंड में आपको इतना तकलीफ ना हो। दीपक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में क्रिकेटर कितनी मेहनत करता है, इतने धूप में भी वो प्रैक्टिस करता है, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो एक तो आप इस एंगल से देख सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन जो होता है वो पूरी प्रैक्टिस कर रहा है, खेल रहा है, आम आदमी को कैसे फिट रह सकता है, उसके लिए कोई एक टिप देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा कि जो आम आदमी को भी अपनी बॉडी को कम से कम 1 घंटा तो देना चाहिए, क्योंकि जो अभी अपना हमारा खाने का स्तर है, जो अपना पोल्यूशन है, ये सब है, तो इतना अच्छा है नहीं अभी। तो उसके लिए अगर आप अपने आप को मेंटेन करना चाहो तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको खाना हो गया, अगर जंक फूड हो गया, ये सब हो गया, तो हम ये सब खाना खा रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने आप को 1 घंटा जरूर देना चाहिए ताकि हमारे कोई भी हम सारी बीमारियों से दूर रहें, थोड़ा सा बच के रहें सब चीज़ से। डाइट की बात की जाए, डाइट कैसे इम्पोर्टेंट होती है एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में? कौन सी डाइट आप फॉलो करते हैं और अपने स्टूडेंट से करवाते हैं? जो अगर मैं बात करूं खाने की, तो डाइट का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि हम रेस्ट अगर कर रहे हैं क्रिकेट अच्छी मेहनत के बाद रेस्ट कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डाइट अपनी अच्छी नहीं ले रहे तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर और मैं बोलूँ जैसे कि जितना हो सकता है नेचुरल डाइट पर रहोगे उतना अच्छा है, आजकल सप्लीमेंट बहुत चल रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी अपने सबको कि अपना जो नेचुरल डाइट है उसको मत छोड़ो। जो पहले के लोग थे इतना इतना काम करते थे, इतने इतने साल तक जीते थे, इतनी इतनी लंबी उम्र थी उनकी, वो इसीलिए थी कि उनका खाना पीना बहुत अच्छा था, देसी लाइफस्टाइल। बिल्कुल देसी लाइफस्टाइल। ओके, अब करते हैं थोड़ी क्रिकेट की बातें। तो आप ये बताइए कि आपको 3 फॉर्मेट होते हैं हमारे, टेस्ट, T20 और वनडे, इन 3 फॉर्मेट में से आपका फॉर्मेट कौन सा अच्छा लगता है? देखो, मेरा फॉर्मेट तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे T20 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं थोड़े से उस तरीके का ही प्लेयर हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रोक खेलने वाला प्लेयर हूँ, थोड़ा सा बॉलिंग में भी थोड़ा एग्रेसिव हूँ, तो मैं तो थोड़ा सा अपने आप पे प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा T20 को। लेकिन डेज क्रिकेट होगी, वनडे क्रिकेट होगी, आज के टाइम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेज क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट क्रिकेट में आज मतलब वैसी टेस्ट क्रिकेट पहले वाली रही नहीं है, बहुत फास्ट क्रिकेट हो गई है। अभी अगर हम पीछे जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं सबको अगर उठा के देखें तो जिस तरीके की क्रिकेट खेली गई है वो इतनी रोमांचक क्रिकेट खेली गई है कि T20 से भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन वही बात है, लोगों के पास टाइम कम है तो इसलिए देख नहीं पाते पूरे 5 दिन का गेम।
लेकिन हर गेम के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे टेस्ट क्रिकेट उठा के हर मैच के रिजल्ट आए हैं, हर कोई भी मैच ऐसा नहीं जाता जिसका रिजल्ट नहीं आता आज के टाइम टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन जैसे पिछले मैच में बारिश हुई है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी रिजल्ट आए हैं मैच में। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है कि जो बहुत सारी विदेशी टीम है, जितनी भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये सब इनके प्लेयर्स आए थे यहाँ पर, आईपीएल खेला था, तो इनको आदत हो गई है भारत की पिचों की, कि भारत की पिच कैसी है। मान लीजिए मुंबई की कैसी है, बंगाल की कैसी है, पंजाब में तो खैर मैच नहीं है, और पूरे मतलब फिरोजशाह कोटला का कैसा है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच कैसी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा, विदेशी जो टीमें हैं उनको कितना फायदा होगा भारतीय पिच की और आईपीएल खेलने से? मैं यही बोलूंगा, जब विदेशी प्लेयर अब आईपीएल खेलने के लिए आते हैं तो वो यहाँ के ज्यादातर स्पिनर्स पे ही अपना काम करते हैं और स्पिनर्स को ही ज्यादा खेलते हैं, और हमारे इंडिया में ज्यादातर स्पिनर्स की के ट्रैक होते हैं, स्पिनर्स की विकेटें होती हैं, तो उनको अभी हराना इतना आसान नहीं रहेगा, थोड़ा सा हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम बात करें कि जब पूरा आईपीएल वो खेल के जाते हैं, वो तीन चार चार महीने इधर खेलते हैं आईपीएल के टाइम, तो वो अपना पूरा मेहनत करते हैं स्पिनर्स पे, स्पिनर्स के ट्रैक पे खेलते हैं, स्पिनर को खेलते हैं, तो अभी अगर हम बात करें उनको इतना आसान नहीं होगा अभी हमें उनको हराना, क्योंकि वो लगातार जो कंडीशन में हम खेलते हैं वो भी यहाँ खेल के जाते हैं, ठीक है, छः महीने, तीन महीने, चार महीने खेल के इधर जाते हैं वो लोग। हाँ, मैं वही कह रहा था कि जैसे अभी वेस्ट इंडीज में आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज ने भारतीय को 2 मैच हरा दिए, तो पिच का कहीं ना कहीं रोल तो है ही, और उन्हें आदत हो गई है खेलने की, और वेस्ट इंडीज का मनोबल वैसे ही कम हो रखा था, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी वर्ल्ड कप के लिए, तो कहीं ना कहीं इंडिया टीम को इसके लिए तो आपको लगता है नहीं कि थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए, और जहाँ भी आप खेलते हैं मैं तो यही बोलता हूँ कि अपना जो होम ग्राउंड होता है, होम कंडीशन होती है, उसका थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है, चाहे अगर हम वेस्ट इंडीज में जाके खेलेंगे तो भी उनको बेनिफिट होता है, क्राउड का भी होता है, और क्राउड का तो होता ही होता है, और साथ में अपने वेदर का होता है, हर चीज़ का बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो यही चीज़ है कि हम इंडिया में खेलेंगे, हमें वेदर का हो गया, वेदर को लेके, अपना कंडीशन को लेके, अपनी ट्रेनिंग ट्रैक को लेके, तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, तो कहीं हम उनसे कहीं ना कहीं प्लस में हैं अभी। दीपक, आईपीएल खेला आपने 2 टीमों के साथ, सिंपल एक लाइन में बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा और क्या नया जानने को मिला, और कौन फेवरेट प्लेयर जब सामने आया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब मैं आईपीएल खेला तो मैं डेल स्टेन सर के साथ था, और डेल स्टेन सर के साथ तो मैं अभी था, सनराइज हैदराबाद के साथ जब था, तो वो मेरे फेवरेट बॉलर रहे हैं, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं लगातार उनसे बातें करता रहता हूँ, उनके टच में हूँ, तो उनसे डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, तो मुझे कुछ भी अपनी बॉलिंग में थोड़ा बहुत कुछ लगता है तो मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ, वो बहुत अच्छे से मुझे गाइड करते हैं। तो फिर सचिन सर थे, सचिन सर के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, रोहित भाई के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा मतलब आपको बड़ा पॉजिटिव सा करके आपको मतलब क्रिकेट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। और जो आपकी कौन सी मेन रही है रणजी की टीम जिसके आप खेले हो, 4 राज्य कौन से है? सर्विसेज सौराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली। okay. अभी करंट में दिल्ली से खेल रहे हैं। ओके, तो हमारे मैं सौराष्ट्र से रणजी ट्रॉफी फाइनल भी खेले उस साल। ओके, बहुत बढ़िया, वो बड़ी बात है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, आपने बताया कि आप एक एग्रेसिव तरीके से बॉलिंग करते हैं, आपका स्टाइल है वो जो भी है, जो हमने देखा है कि जो फास्ट बॉलर होता है उनकी जो लाइफ होती है, करियर का जो पूरा ग्राफ होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, उसमें इंजरीज के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो ये चीज़ें क्या मतलब एक फास्ट बॉलर कहाँ का फेस करनी पड़ती है? इंजरीज तो भैया फास्ट बॉलर के साथ चलती रहती हैं, क्योंकि इतना जो एफर्ट होता है, अपने इंडिया में जो वेदर है, इतनी गर्मी भी होती है, तो उसमें अगर हम इतना एफर्ट लगाते हैं तो हमें इंजरी के चांसेस रहते हैं, थोड़ा फटीक भी होता है, मैचेस भी इतने ज़्यादा होने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, तो उन चीज़ों से इंजरी से आप बच नहीं सकते, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि अगर हम उसको अच्छे से अपने आप की फिटनेस को मेंटेन करके रखें तो हम थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए और खेल सकते हैं। और आज के टाइम जो मैं तो सबको यही बात बोलता हूँ कि जो युवा जितने भी हैं सब बोलते हैं कि भैया जिम, क्योंकि सभी है ना अभी 15-16 साल की उम्र से जिम की तरफ भागने लग गए हैं, तो वो अगर फास्ट बॉलर की बात करी जाए तो फास्ट बॉलर को इतना जिम नहीं करना चाहिए, आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए ग्राउंड ट्रेनिंग करो,
ग्राउंड में बॉलिंग करो, क्योंकि अगर बॉलिंग कम कर दी है लोगों ने कि भाई हम फास्ट बॉलर हैं तो हम जिम से हम पावर आएगी तो हम ज़्यादा तेज बॉल डाल पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपनी बॉलिंग मसल पे काम नहीं करोगे तो आप तेज़ नहीं डाल पाओगे, और बॉलिंग मसल सिर्फ आपकी तब यूज होगी जब आप लगातार बॉल डालोगे। तो आपको बॉलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बिन बात का फितूर बना हुआ है कि मैं जिम करूंगा और मैं तेज फेंक दूंगा। अगर ऐसे बॉलिंग तेज होती तो आज के टाइम जितने बॉडी बिल्डर बड़े बड़े हैं सब अपने तेज बॉल डाल रहे हैं, 160 की स्पीड से फेंक देते हैं, तो इतने तेज बॉल डाल रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बॉलिंग मसल पे ही काम करना पड़ेगा। बॉलिंग बॉलर्स को सिर्फ अपनी बॉलिंग पे मसल पे काम करोगे तो आप तेज फेंक पाओगे। ये बताइए, तीन फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट, वनडे, टी20, तीनों के लिए बीसीसीआई ने एक फॉर्मूला अपनाया, तीनों में अलग अलग खिलाड़ी खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे कितना बेनिफिट होगा, कितना फायदा हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला ठीक रहेगा भारत के लिए? जी, पहले होता था ऐसे कि सारे खिलाड़ी एक ही तीनों फॉर्मेट में खेलते थे, वनडे में वही टीम, टी20 में वही टीम और टेस्ट में वही टीम। जी बिल्कुल, ये तीनों जो फॉर्मेट है इसमें अलग अलग प्लेयर्स खेलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो एक तो आपके स्पेसिफिक प्लेयर्स होते हैं कि भाई ये मेरा वनडे का प्लेयर है, ये मेरा टेस्ट का प्लेयर है, ये मेरा टी20 का प्लेयर है। इसमें अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो आपको पहली चीज़ ये होती है कि आपको जो अपने फास्ट बॉलर्स हो उनको रेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो अब वनडे भी सेम फास्ट बॉलर खेलेंगे, डेज भी और टी20 भी, ठीक है, टेस्ट भी सेम प्लेयर्स खेलेंगे। तो उसमें चांसेस रहते हैं कि आप जो मैं अभी बात करते हैं इंजरी की, तो उसमें आप इंजरी को जल्दी इन्वाइट कर रहे हो अपने पास, ताकि क्योंकि आपको टाइम तो मिल नहीं रहा है, आपको टाइम मिलेगा जैसे वनडे हो गया, वनडे के बाद टी20 सीरीज हो जाती है, सीरीज के बाद टेस्ट की भी सीरीज हो जाती है। तो ऐसे में आपको टाइम नहीं मिलता है अपने आप की रिकवरी करने के लिए। तो जो फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको पूरा टाइम मिल रहा है, टेस्ट मैच खेला, टेस्ट मैच के बाद उनको वनडे के लिए रेस्ट दे दिया गया है, वनडे में नए बॉलर्स आ गए हैं, टी20 में फिर अपने नए बॉलर्स आ गए हैं। तो जो जिनको टेस्ट में आपने रेस्ट दिया था तो उनको रेस्ट मिल चुका है, अभी वो अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। तो उससे एक तो इंजरीज कम हो जाती हैं, जो आप बोल रहे थे कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा इंजरीज आती हैं, तो उनका मेन कारण यही था कि हम लगातार इतनी इतनी क्रिकेट खेलते थे तो चांसेस रहते थे इंजरी के। और दूसरी चीज़ मैं एज बैट्समैनों की बात करूं तो बैट्समैनों में भी जैसे पुजारा भाई हैं और ये सब, तो पुजारा भाई हो गए तो वो प्रॉपर टेस्ट के प्लेयर हैं, तो वो पूरा टेस्ट को जिस तरीके से खेलते हैं पूरा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो उनका जो नेचर है वो क्रिकेट को लेके जो उनका गेम का नेचर है, तो उनका जो नेचर है वो उसी नेचर के से बैटिंग करते हैं, तो इसलिए उनका वो स्पेसिफिक मैं प्लेयर बोलूँगा उनको टेस्ट क्रिकेट के। और जैसे आईपीएल आया है भारत में, जैसे आईपीएल को 10-12 साल हो गए हैं, 12-13 ज़्यादा साल हो गए होंगे, तो इससे युवाओं को कितना फ़ायदा हुआ है, आपको क्या लगता है? इसको भी युवाओं को बहुत फ़ायदा मिला है अपना आईपीएल आने से। एक तो अपने आप का हुनर बहुत आप दिखा सकते हो जाके आईपीएल में। जब पहले क्या था कि जब आईपीएल नहीं था तो आपको 15 ही नाम दिखते थे या 20 नाम दिखते थे जब जो इंडिया खेल रहे हैं, ठीक है, उनको आपको पता ही नहीं होता था कौन प्लेयर कहाँ क्या अच्छा कर रहा है। आज के टाइम जो आईपीएल में अच्छा करता है वो सीधा आपको दिखता है कि हाँ भाई उसने अच्छा किया है, या रिंकू सिंह हो गया, तिलक वर्मा हो गया, दीपक हुड्डा ने अच्छा किया आईपीएल से तो सीधा इंडिया में आए। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में अच्छा करते हैं और सीधा इंडियन टीम का टैग लग जाता है। ठीक है, ये आपने बताया एशिया कप आ रहा है, क्या क्या रहने चाहिए भारत की रणनीति, कैसे खेलना चाहिए? एशिया कप में भैया मैं यही बोलूंगा कि जिस तरीके से गेम अपना खेलते आए हैं बहुत अच्छी टच में है, टीम बहुत अच्छा खेल रही है, और जिन प्लेयर को रेस्ट दिया गया था उनको अभी आगे दोबारा मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। और रणनीति तो देखो विकेट को देख के, कंडीशन को देख के तभी बनाई जाती है। तो वही है ना, जैसे दुबई में रहेंगे कुछ मैच, कुछ एशिया में उसमें रहेंगे मैच, तो उस हिसाब से मतलब आपका कुछ क्या लगता है कि कौन से मेन प्लेयर होने चाहिए इस टीम के अंदर और किन पे क्या फोकस होना चाहिए? दुबई में भैया जैसे जब लास्ट आईपीएल हुआ था उस टाइम भी हमने देखा था कि स्पिनर्स का ज़्यादा बोलबाला था उधर, तो अभी भी मुझे यही लग रहा है कि उधर स्पिनर्स का ज़्यादा बोलबाला रहेगा, और ज़्यादा जैसे जड्डू भाई हैं और युजवेंद्र चहल है, ये पहले इतना अच्छा कर रहे हैं तो अपने पास मतलब स्पोर्ट में भी इतने बॉलर्स हैं स्पिनर्स जो बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। एक बात हो जाती है, अब ये तो हुई थोड़ी क्रिकेट की बात, अब मैं थोड़ी आपकी अकेडमी को लेकर बात करता हूँ। आपने रणजी खेली, उसके अलावा आपने आईपीएल खेला और काफ़ी बड़े फॉर्मेट में भी आप खेल चुके हैं, तो आप अपने जो यूथ खिलाड़ी है उनको कैसे ट्रेन करते हैं, उनको क्या आपके माइंड में होता है कि आपको उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है जो आपको नहीं मिल पाई, आप नया चेंजेस कैसे आ रहे हैं क्रिकेट में?
मैं जैसे मेरे साथ क्या था, मैं जब छोटा था तो मुझे लगता जिन चीज़ों की मैंने स्टार्टिंग में जिन चीज़ों को मैंने लैक किया, जैसे एज ए फास्ट बॉलर अगर मैं बात करूं कि मुझे उस टाइम इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, तो मैं वही जो इतने जूनियर्स आते हैं मैं स्टार्टिंग से ही उनके बेसिक पे काम करता हूं। जब क्योंकि आप अगर आपको फास्ट बॉलर का तेज डलवाने वाला फास्ट बॉलर आपको बनाना है तो आप उसको, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि फास्ट बॉलर्स को पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करवा के प्रॉपर उनके बेसिक पे काम करके आप उनको तेज डलवा सकते हो। तो जो उनके जो बेसिक्स होते हैं, मैं सबसे पहले उनके बेसिक्स पे काम करता हूँ, फास्ट बॉलर्स के जो अलाइनमेंट हो गया, ये हो गया, तो उन चीज़ों पे काम करता हूँ। तो उनसे जो मेरी एकेडमी फास्ट बॉलर्स हैं बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहा हूँ मैं उन पर, और अच्छे चल भी रहे हैं। अभी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो 130-135 के आसपास डाल रहे हैं मेरी एकेडमी के, वो इतने मतलब ज़्यादा उम्र के भी नहीं हैं, जूनियर्स ही हैं, लेकिन मुझे ज़रूर उन पर भरोसा है कि वो आगे चल के कम से कम 145-150 को टच करेंगे। जैसे आपका भरोसा है वैसे ही देशवासियों को अपनी इस टीम पर भरोसा है, थोड़े टाइम बाद वर्ल्ड कप आएगा। पिछली बार मैन ऑफ द सीरीज से युवराज सिंह, और इस बार हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जाएंगे, टीम क्या 11 होगी मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन मैन ऑफ द सीरीज और अच्छा प्रदर्शन आपकी नज़र से कर सकता है वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप के अंदर में मेरा जहां तक पूरा मुझे दिखता है कि जड्डू भाई को मैं देखता हूं कि उस जगह पे जिस जगह वो आके बैटिंग करते हैं, जिस तरीके की वो बॉलिंग करते हैं, जिस तरीके की फील्डिंग के, तो उनको कहना ही क्या है, तो बैटिंग और बॉलिंग उनकी जिस तरीके जिस टाइम पे वो करने वाले हैं वो बहुत अपनी इंडियन टीम को भी बहुत ज़्यादा उनके बेनिफिट्स होंगे बॉलिंग के और बैटिंग के, और मुझे उन पे ही लग रहा है कि वो मैन ऑफ द सीरीज के दौर उसमें रहेंगे इस बार। बिल्कुल, और ये और बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन से 11 खिलाड़ी आप देखते हो जो वर्ल्ड कप में खेलने चाहिए। जैसे रोहित भाई और शिखर भाई हैं, तो दोनों की पार्टनरशिप भी हमने देखा पहले भी बहुत अच्छी रही है, तो मेरे जो प्लेइंग 11 रहेगी उसमें ओपनर तो दोनों यही रहेंगे, और 3 नंबर विराट भाई हैं, 4 नंबर पे सूर्या कुमार यादव, क्योंकि उनका तो आज के टाइम जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन, और 5 नंबर पे अपना 5 नंबर पे ईशान किशन 5 नंबर पे ईशान किशन रहेंगे, 6 नंबर हार्दिक पांड्या, क्योंकि हमें एक ऑलराउंडर साथ में लेके चलना पड़ेगा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, और 2 में प्रॉपर ऑलराउंडर, 1 प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर जो जड्डू भाई हैं, और 1 अपना फास्ट बॉलर, तो ताकि आपको पूरे बॉलर्स भी पूरे हो जाएं आपके और बैट्समैन भी आपके पूरे हो जाएं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आपको एक लेग स्पिनर के लिए ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि लेग स्पिनर जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्रिकेट में, लेग स्पिनर के बाद फिर 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स की मैं बात करूँ तो फास्ट बॉलर्स हो गए अपने सिराज भी हो सकता है, सिराज हो गया, शमी हो गया, और 1 अगर जसप्रीत बुमराह फिट होते हैं तो जसप्रीत बुमराह। ये तो बात हो गई क्रिकेटर दीपक पुनिया के, जो हमने उनसे सवाल किए, कई हमने बाउंसर भी मारी, कई यॉर्कर भी मारी, और उस तरीके से आपने बहुत अच्छे से उसे खेला। अब एक आम दीपक पुनिया की नज़र से बताइए कि आपकी नज़र में फिटनेस के मायने क्या है। फिटनेस के मायने यही है भैया कि आपको बड़ा देखो बड़ा डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा अपनी बॉडी को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, क्योंकि हम बहुत सारे सेक्रीफाइस, मैं नहीं बोलता कि करो कि सेक्रीफाइस करो कि ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन कुछ भी खाओ, लेकिन आप अपना जो 1 घंटा अपने आप बॉडी को जरूर दो, और बिल्कुल सिंपल लाइफ जियो जितना हो सकता है, और बिल्कुल देसी के तरीके से बोलूं तो बिल्कुल मजे की जिंदगी जियो आप। ये थे हमारे साथ दीपक पुनिया साहब, जिन्होंने बताया कि एक आम आदमी कैसे फिट रह सकता है और वर्ल्ड कप के अंदर भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इंडियन टीम को कैसे बढ़िया परफॉर्मेंस करके वर्ल्ड कप हासिल कर सकती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।